गलती हुई जो मुस्लिम को पाकिस्तान जाना चाहिए था वो नहीं गए, तो यहाँ एक गलती हुई, उस गलती को भी आप जो है सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कह देते हैं बार बार कि भैया भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो पाकिस्तान जाओ, इसमें आपको कुछ गलत नहीं लगता? नहीं नहीं, गलत कुछ नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि देखिए आप कम से कम इस देश जिस देश में रहते हो, जिस देश का नमक खाते हो, उसके साथ कम से कम नमक हरामी तो मत करो। नहीं, ऐसा क्या हो जा रहा है कि उनको हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है? मुझे ये नहीं समझ में आता। अब मैं बताता हूँ कि सवाल क्या है कि आप इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। देव जी देखिए, इस हिंदुस्तान का एक दुर्भाग्य रहा है कि जहाँ जहाँ जब जब जिस स्थान पर भी हिंदू घटा देश बटा जी, ये इतिहास इस बात का साक्षी है। आपको एक नहीं सैकड़ों उदाहरण गिनाता हूँ। हिंदू घटा देश बटा, जहाँ जहाँ जिस स्थान पर भी हिंदू घटा देश बटा, पाकिस्तान क्यों बना? हिंदू घटा। बांग्लादेश क्यों बना? हिंदू घटा। आखिरकार कश्मीर से लाखों हिंदुओं को पलायन क्यों करना पड़ा? क्योंकि हिंदू घटा। आखिरकार सुनिए, केरल में आज हिंदू आबादी नगण्य हो गई है, वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्यों होते हैं? उनको हिंदुओं को क्यों मारा जाता है? क्योंकि वहां हिंदू घटा। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पर आखिरकार वहां पर जो देशद्रोही गतिविधियां क्यों चलती है? आखिरकार वहां जो अगर आप दिल्ली से कभी जाते हो तो कहेंगे ओ यू आर फ्रॉम इंडिया। कितनी सरप्राइजिंग बात है यार, मेरे देश का नागरिक और मेरे देश के बारे में ये नहीं पता, भारत में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये अलगाववाद जो है क्रिश्चियन मिशनरीज ने और जिहादी इस्लाम ने जिस तरह से भड़काया है कि जिसके कारण जो है ना लोगों को अपना देश देश ही नहीं लगता और अलगाववाद पनप रहा है। वहां पर हिंदू पलायन को मजबूर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्यों आ रही है? वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति इसीलिए आ रही है कि वहां पर डेमोग्राफिक प्रोफाइल यानी जो जनसंख्या का जो असंतुलन है वो बढ़ता जा रहा है। जिस जिस स्थान पर मुसलमानों की आबादी 20% 30% को क्रॉस कर जाती है, वहां से हिंदू या तो पलायन करना शुरू कर देता है या उसका धर्मांतरण होना शुरू हो जाता है या उसकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ शुरू हो जाता है या उनको प्रताड़ित करके मारना शुरू हो जाता है और अंततोगत्वा या तो कन्वर्ट होना पड़ता है या वहां से भागना पड़ता है। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की अधिक संख्या में होना इस देश के लिए खतरा है, आप ये कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? देखिए मैं नहीं कह रहा, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। आंकड़े आपके हिसाब से क्या बता रहे हैं? आंकड़े स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जहां जहां जब जब हिंदू घटा देश बटा।